हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2007 का जनरल पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं। पहला क्वेश्चन है, वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। पहला है एप्टीट्यूड, दूसरा है स्किल्स, तीसरा है एटीट्यूड्स एंड चौथा है रिलेशनशिप। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड टैलेंट होता है जो कि नेचुरल या इनबॉर्न होता है। स्किल्स सीखना पड़ता है। एटीट्यूड क्या होता है? आपका व्यू पॉइंट किसी चीज़ के लिए। और रिलेशनशिप तो आप समझते हैं। तो वर्बल गाइडेंस किसमें बहुत कम प्रभाव डालता है? तो स्किल्स में। स्किल्स को आप वर्बल गाइडेंस से नहीं सिखा सकते हैं, उसके लिए करके डिमॉन्स्ट्रेशन दे के सिखाना होता है। तो इसका आंसर होगा स्किल्स। दूसरा है, विच ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग। टीचर्स का कौन सा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लर्निंग में? पहला है द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस। Development of insight into what constitutes an adequate performance. दूसरा है the development of insight into what constitutes pitfalls and dangers to be avoided. तीसरा है provision of encouragement and moral support. चौथा है the provision of continuous diagnosis and moral support. तो इसका आंसर होगा कि टीचर की तरफ से क्या चाहिए? टीचर का रोल हमेशा लर्निंग में encouragement और moral support का होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा 2। अगला है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्स्ट बुक मेथड। हम जानते हैं कि डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, उसके अलावा वो ग्रुप आपस में भी डिस्कस करते हैं, टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, या ग्रुप ग्रुप में डिस्कशन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन को पॉसिबल करता है, इसलिए इसका आंसर होगा डिस्कशन मेथड। लेक्चर मेथड वन साइडेड होता है, ऑडियो विजुअल एड्स में एड्स दिखाते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड भी वन साइडेड होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। हम हमेशा जानते हैं कि लर्निंग का क्या पर्पस है? पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हमेशा हम जानते हैं कि लर्निंग का पर्पस होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। जो हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, उनको क्या करना चाहिए? एनकरेज टू फाइंड आंसर्स इंडिपेंडेंटली, खुद से आंसर ढूंढने के लिए एनकरेज करना चाहिए, या एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, तीसरा एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, चौथा एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, तो ऐसे बच्चों को टीचर क्लास के बाद मिलने के लिए बुला सकते हैं, इसलिए एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। अगला है, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैम्पल इज टेक्निकली नोन एज। जब भी हम जनरलाइज करते हैं कंक्लूजन को किसके आधार पर, सैंपल के आधार पर, तो क्या होगा? सैंपल जब हम पूरे पॉपुलेशन को लेते हैं तब पैरामीटर एंडफेरेंस इन्फेरेंस होता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी लार्ज स्केल पर होता है, लेकिन जब हम सैंपल के साथ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो इसका आंसर होगा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। अगला है, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं? वेरिएबल्स को डील करते हैं, ठीक है? तो इस दूसरा है इसका ऑप्शन, कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर, तीसरा है रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च एंड चौथा है सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स
को ज़्यादा डील करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, साइंटिफिक रिसर्च का की मुख्य विशेषता क्या है? यह एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल का मतलब साइंस का जो भी रिसर्च होता है उसको, वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होने के कारण ही एम्पिरिकल कहलाता है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। थियोरेटिकल भी होता है, उसमें सिद्धांत भी होता है, फिर एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो साइंटिफिक रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तीनों होगा, एम्पिरिकल भी होगा, थियोरेटिकल भी होगा और एक्सपेरिमेंटल भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अगला है, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल द अबव। इसमें इस क्या है कि रिसर्च फाइंडिंग का ओरिजिनल, तो ओरिजिनलिटी और वैलिडिटी का मतलब तो है कि जिस, मतलब वैलिडिटी का मतलब हुआ कि जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ वैलिडिटी वर्क नहीं कर रहा है। रिसर्च का ऑथेंटिसिटी इसके ऑब्जेक्टिविटी से होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑब्जेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज फॉलोड जनरली व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब हुआ कि सीमित है, मतलब काउंटेबल है, इनफाइनाइट नहीं है। तो कौन सा टेक्निक सैम्पलिंग का लिया जाएगा? उसमें होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। एरिया सैम्पलिंग पूरा एरिया का लेते हैं, पर्पस सैम्पलिंग जो पर्पस को सर्व करता है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाता है, इसमें हम करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। डीटीएच सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, डिश टीवी जिसको कहते हैं, डिश टीवी ये SL ग्रुप के द्वारा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के साथ शुरू हुआ था। तो ये किस साल शुरू हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट होता है? ये 16th नवंबर को सेलिब्रेट होता है। ये किस चीज़ का सिंबॉलिक है? फ्री प्रेस इन इंडिया। अगला है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो इसके मेंबर्स होते हैं 28, जिसमें से कुछ तो जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ बिजनेस न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, और कुछ सारे बिजनेस से ही रिलेटेड लोग होते हैं, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एडिटर, इस तरह से इनको लेके 28 लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजम्पशन ऑफ, हायर एजुकेशन में रेडियो का प्रयोग किस मान्यता पर आधारित है? एनरिचिंग करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, दूसरा है रिप्लेसिंग टीचर, रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग टर्म, एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट, अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गेटिंग आउटडेटेड। इसका आंसर होगा कि एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इम्प्लाइज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका आंसर्स होगा ऑल द अबव, सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, सिंपल रैंडम। CD-ROM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो हमेशा CD जब भी होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क ही मीन करता है, तो CD-ROM यहाँ पर स्टैंड करेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। थैंक यू।